सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूँगा जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कैमरे से ज़्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए, अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए। और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई, जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। राहुल गांधी, आप महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ, और इंडिया गठबंधन जीते वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है, और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे, और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भी, यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। सर अब लोग तो वो घबराए हुए हैं जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए, हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। देखिए, जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है, अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है जब बटोगे तो कटोगे, तो कटोगे। देखिए, ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उससे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा वो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं। कम से कम इन कैमरों से बताना, जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझकर के चुनाव टाला था, बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। सर, सीट शेयरिंग का महाराष्ट्र में क्या फॉर्मूला? बहुत जल्दी होगा।